अस्सलाम वालेकुम क्राफ्टिंग नीडल्स में खुश आमदीद आज आपको ये खूबसूरत सा कार का मोटिव बनाना मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से बनाते हैं देखें एक मैंने यहाँ पे भी बनाया है तो ये आप किसी भी कार्डिगन पे लगा सकते हैं बच्चों के ये मैंने एक जो है ज़ीरो टू थ्री मंथ के बेबी के लिए वेस्ट बनाई है उस पर लगाया है और ये मैंने बनाई है थ्री टू सिक्स मंथ के बेबी के लिए वेस्ट उस पर उसके ऊपर लगाया है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो कार का ये मोटिव बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी रेड कलर की और ब्लैक कलर की वूल रेड कलर की वूल कार का अपर पार्ट बनाने के लिए और ब्लैक कलर की वूल इसके व्हील बनाने के लिए तो अब मैं क्या करूँगी अपनी रेड कलर की वूल से एक स्लिप नॉट बना लूंगी और इसे थर्टीन चेन बना लूँगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो ये तेरह चेन बनाने के बाद मैं हर चेन में एक सिंगल क्रोशी करूँगी एक दो तीन चार पाँच सात नौ दस ग्यारह और ये लास्ट चेन में बारह एक चेन बनाऊंगी और इसको पलट लूंगी। अब फिर से इसी तरह मैंने बारह चेन बारह क्रोशे इसमें बनाए हैं बारह सिंगल क्रोशे बनाऊंगी एक दो तीन चार छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये लास्ट वाला इस चेन में ऐसे बारह तो दूसरे राउंड में भी बारह चेन बनाने के बाद मैं फिर से एक चेन बना के इसको पलट लूँगी और फिर से उसी तरह बारह चेन बना लूँगी अब देखिए मैं इसको इस तरह से पलट के तीन स्लिप चेन बनाऊँगी स्लिप क्रोशे करूँगी स्लिप क्रोशे कैसे करते हैं ऐसे और इसको ऐसे एक दो तीन ये हमारी जो कार है उसका ये वाला पार्ट बनेगा स्लिप क्रोशे करने से मैं यहाँ आ गई अब मैं क्या करूँगी सिक्स चेन करूँगी एक दो तीन चार पाँच चेन बुनने के बाद यहाँ से एक दो तीसरे वाले में ट्रिपल क्रोशे करूँगी एक बार दो बार बाल देके के एक दो तीन तीसरे वाले में मैं इस तरह से डाल के इसको यू बनाऊँगी एक बार दो बार और ये तीन बार ये हमारा ट्रिपल क्रोशे हो गया फिर से दो बार बल दे के इसमें ऐसे करके यू बनाऊंगी एक और ये दो फिर से चेन सिक्स करूंगी एक दो तीन चार पाँच छ चेन सिक्स करने के बाद फिर से एक दो तीन स्लिप करके इसमें यूँ ऐसे स्लिप नॉट दे दूँगी और फिर से यहाँ पे एक ऐसे स्लिप नॉट दे के अब देखिए अब हमने क्या करना है फिर से अपने वर्क को इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पे हमने हर एक में आठ आठ सिंगल क्रोशि करने हैं एक दो तीन चार पाँच सात आठ अब हमने इस वाले होल में आठ सिंगल क्रोशी करने हैं अब देखिए आपने इस वाले होल में भी आठ सिंगल क्रोशी कर लेने हैं उसी तरह से एक दो तीन चार पांच छे, सात और ये आठ आठ क्रोशी करने के बाद हम इस वाले में ऐसे एक स्लिप स्लिप स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा धागा छोड़ के इसमें से तो ये देखें हमारी कार का ये अपर पोर्शन जो है वो तैयार हो गया है अब हम इसके लिए व्हील बनाएंगे तो व्हील बनाने के लिए भी मैं उसी तरह से ये स्लिप नॉट लगाऊंगी और फोर चेन बना लूंगी। एक दो तीन चार और फर्स्ट चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लूँगी ये अब हमारे पास ये एक होल सा बन गया है ये वाला इस होल में इस तरह से क्रोशे डाल के एक यहाँ पे मैं बाहर निकाल लूँगी और इसको इस तरह से यहाँ पे मैं टेन स्टिचेस सिंगल क्रोशे के बनाऊँगी तो और ये दस टेन स्टिचेस बनाने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच था उसमें अब एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे देखिए ये हमारा फर्स्ट जो चेन था उसमें हम ऐसे स्लिप स्टिच लगा के ये तो इसको अब हम सिक्योर कर देंगे तरह से निकाल के तो ये हमारा एक व्हील बन गया दूसरा व्हील भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी तो ये देखें ये मेरी आ, कार का अपर पार्ट और ये दोनों व्हील जो हैं वो रेडी हो गए हैं अब मैं ये व्हील और ये कार नीडल में धागा डाल के इसमें इसके ऊपर अटैच कर दूंगी तो ये देखें व्यूअर्स मैंने सिलाई करके इसके ऊपर ये कार अटैच कर दी है और ये देखिए तो उम्मीद है आपको कार बनाने कार का मोटिव बनाने का अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे अपनी दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज़